मुख्यालय पर विधायक रामलाल मालवीय ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की 130वीं वर्षगांठ मनाई। घटिया तहसील मुख्यालय पर आज 1947 में प्रथम प्रधानमंत्री बने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की वर्षगांठ मनाई गई। विधायक रामलाल मालवीय ने नेहरू जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं और छात्रों को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद ग्राम पंचायत घटिया में बेटी बचाओ अभियान के बोर्ड पर सभी ने हस्ताक्षर किए और संकल्प की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के बाद विधायक ने बच्चों को बिस्किट के पैकेट बांटे और महिलाओं का सम्मान किया। किरण राठौर राजनीति प्रोफेसर ने अपने उद्बोधन में कहा कि नेहरू जी भारत के विदेश मंत्री रहे, उन्होंने गुट निरपेक्षता ने नीति अपनाई है। गुट निरपेक्षता के इसमें तीन लोगों में जवाहरलाल नेहरू भी रहे हैं। उन्होंने 1954 में पंचशील अभियान को अपनाया, उन्होंने रचनात्मक राष्ट्रवाद अपनाया, धन्यवाद राष्ट्रवाद नहीं अपनाया। भारतीय राष्ट्र आंदोलन में वे 9 बार जेल गए। उन्होंने जितनी भी पुस्तकें लिखी जो जेल में लिखी, आज देखा जाए तो IIT, IIM, एम्स भी उनकी देन है। एक प्रकार से आधुनिक भारत के रचयिता रहे। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष रमेश चंद्र गनावा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रविकांत उके, विजय सिंह गौतम, प्रोफेसर शेखर मेदम्बर, ईश्वर सिंह रोन जी, सरपंच प्रतिनिधि कालू बाबा आदि लोग शामिल रहे। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट। पूरा देश आज इस देश के स्वतंत्र भारत की प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 131वीं जयंती मना रहे हैं और 14 नवंबर को चाचा नेहरू जी की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। उसी के तारतम्य में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में हर ब्लॉक में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी का जन्मदिवस मना रहे हैं और जो उसके तारतम्य में घटिया में भी आज हम लोगों ने आज कार्यक्रम आयोजित किया, उसी के अनुरूप हम लोग इस कार्यक्रम को मनाया है।